कल हम आए थे जेंटिंग हाईलैंड से कुआलालंपुर। रास्ते में हमने चिंसू टेंपल देखा और नाइट स्टे हमने किया था बाटू के उसके पास एक होटल में। आज हम जा रहे हैं लांगकावी और अगले 3 दिन हम लांगकावी में ही रुकने वाले हैं। हमारी फ्लाइट जो है वो है बाटी एयर की और ये एयरलाइन एक बजट एयरलाइन है। इसके अंदर अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल में इकोनॉमिक टिकट बुक करते हो तो आपको चेक इन बैगेज का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और जब मैं ये टिकट बुक कर रहा था तो इकोनॉमी टिकट प्लस एक्स्ट्रा चेक इन बैग वॉज कॉस्टलियर देन बिजनेस क्लास। और अगर आप बिजनेस क्लास लेते हो तो उसमें चेक इन बैगेज बाय डिफ़ॉल्ट फ्री आता है। तो दिस इज़ हाउ वी बुक्ड बिजनेस क्लास टिकट्स। वैसे हमारा कोई इंटेंशन था नहीं, क्योंकि एक घंटे के फ्लाइट में इट डजेंट मेक सेंस कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे के बिजनेस क्लास बुक करो। लेकिन ये बिजनेस क्लास वाला ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा बेटर था, इसलिए फिर हमने बिजनेस क्लास बुक किया। वैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं फ्लाइट से, बट देखते हैं कि क्या सर्विस मिलती है बिजनेस क्लास में। और लंच में हमें दिया गया सैंडविच, वाटर बॉटल और बेवरेजेस में थे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉफ़ी, तो हमने कॉफ़ी चूज़ की। सो काफ़ी बेसिक था, बट प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी चेकआउट, एक्स्ट्रा बैगेज, फ्री फूड इन अ प्राइस चीपर दैन इकोनॉमी, एनी डे आई विल चूज़ दिस बिजनेस क्लास ओवर इकोनॉमी क्लास। तो एक घंटे के फ्लाइट के बाद हम लैंड हो चुके थे लांगकावी में। और एयरपोर्ट जो है ये समुंदर के काफ़ी पास में है, इसलिए लैंड होते वक्त काफ़ी सुंदर नज़ारे आपको देखने मिलते हैं। और आज जो हमने होटल बुक किया है एक दिन के लिए, वो एयरपोर्ट से वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। इट इज़ अ 4-स्टार होटल, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे उसके, तो हमने सोचा कि एक दिन वहाँ रह के देखते हैं और बचे हुए 2 दिन के लिए कोई बीच रिसोर्ट या सी साइड रिसोर्ट लेते हैं। इस होटल में रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे और इतने बड़े रूम्स इस प्राइस पे इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट आपको इंडिया में ऐसे लोकेशन पे मिल ही नहीं सकते। दैट इज़ वन थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट ऑल दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, कि आपको इंडिया के प्राइस में सुपर लग्जरियस एक्सपीरियंस मिलता है। आज दोनों का वर्किंग डे होने की वजह से लांगकावी हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो सीधा रात को डिनर के लिए बाहर निकले और बीच वाला एरिया जो है वो एक्सप्लोर किया। तो रात में यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी लगते हैं और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। हमारे पैकेज में बफे ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, इसलिए अगले दिन मॉर्निंग में चेकआउट से पहले सब पैकिंग और रैप करके हम ब्रेकफास्ट करने आ गए। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे, यहाँ पे इंडिया के लोग भी काफ़ी आते हैं, इसलिए इंडिया के भी 2-3 काउंटर्स थे। पूरी भाजी थी, अलग अलग प्रकार की ग्रेवी की सब्जियाँ भी थी, और फिर अमेरिकन ब्रेकफास्ट, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, ऐसे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड फूड स्प्रेड। नए होटल में चेक इन करके हम जाने वाले थे स्काई कैप, जहाँ पे है दुनिया की सबसे स्टीपेस्ट केबल कार। और वहाँ पहुँचने के लिए, जो कि लगभग था 30 किलोमीटर हमारे होटल से, हमने एक मोपेड रेंट से ली और जो रेंट देने वाली एजेंसी थी उसके ओनर एक पाकिस्तानी थे, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल आदमी थे। रेंट था तकरीबन 400 से 500 रुपए के आसपास, अगर मैं INR में बात करूँ तो, और वेल मेंटेन बाइक थी। तो केबल कार लेके हम आ गए स्काई ब्रिज पे। ये लांगकावी का टॉप मोस्ट अट्रैक्शन है, और अगर आप लांगकावी आते हो तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको ज़रूर करना है और मिस नहीं करना है। जब आप ऊपर आते हो तो आपके पास में देखने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ईगल ब्रिज लीजिए या तो स्काई ब्रिज लीजिए। तो ईगल ब्रिज में आपको ये ईगल शिप का एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है, जहाँ पे आप जाकर पूरे वैली का व्यू देख सकते हो। हमारे उस दिन बारिश शुरू थी, इसलिए हमें वेट करना पड़ा बारिश क्लियर होने का, और स्काई ब्रिज जो था वो क्लोज था ड्यू टू विंड एंड रेन। तो वहाँ पे तो हम चल नहीं पाए, लेकिन ऊपर से जो उसका व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। एट द अदर एंड
पूरा समंदर है, बीच में पूरी हरियाली, और उसके बीच से होकर स्काई ब्रिज गुजरता है। तो आज है हमारा तीसरा और आखिरी दिन लांकावी में। पहले दिन हमने वर्केशन किया, ऑफिस का काम था दोनों को। सेकेंड डे हमने स्काई ब्रिज वाला टूर किया, और रात में हमने यहाँ की बीच लाइफ और नाइट लाइफ भी एंजॉय किए। पब में गए थे एक, जो काफ़ी अच्छा था, लाइव म्यूज़िक और क्राउड भी काफ़ी अच्छा था, खाना भी काफ़ी अच्छा था। और आज है तीसरा दिन, और हम दोनों को फिर से आज ऑफिस का काम है, तो हम हमारे बीच साइड के रिसोर्ट पर बैठ के काम ही करने वाले हैं। और थोड़ा दोपहर में 2 घंटे का ब्रेक लेके आसपास के थोड़े बीचेस भी हम कवर करने वाले हैं। लांकावी वैसे छोटा आइलैंड होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा बीचेस में वैरायटी आपको देखने नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी यहाँ पे 3-4 पॉपुलर बीचेस है वो काफ़ी अच्छे थे, और ऑफ सीजन होने के कारण क्राउडेड भी नहीं थे। और ये जो बीच अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये एग्जैक्टली अपोजिट टू एयरपोर्ट है, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए कंटिन्यूसली देखेंगे। लांकावी के बीच पे वाटर स्पोर्ट्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जेट स्की हो गया, पैरासेलिंग हो गया, बनाना राइड हो गया, प्राइवेट बोट टूर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। और रेट्स भी इंडिया से थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन मलेशिया के हिसाब से मैं कहूँगा वो भी रिजनेबल थे। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर इनटू वाटर स्पोर्ट्स, यू कैन चूज़ द एक्टिविटीज़ फ्रॉम लॉट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। तो 3 दिन लांकावी में गुजारने के बाद हम चले हैं एयरपोर्ट की ओर, जहाँ से हम जाएंगे कुआलालंपुर। रात में पहुँचेंगे कुआलालंपुर, और रात में हम हमारा ड्रोन कलेक्ट कर लेंगे, और कल सवेरे हम निकलेंगे बेंगलोर की ओर। तो लांकावी में 3 दिन गुजारने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं कुआलालंपुर की ओर। हमारी फ़्लाइट फिर से है बाटिक एयर, जो यहाँ से शाम को 7 बजे टेक ऑफ करेगी और अप्रॉक्सीमेटली 8 to 8:30 के बीच कुआलालंपुर में लैंड करेगी। फिर से हमें वहाँ से जाना पड़ेगा समिट मॉल टू कलेक्ट आवर ड्रोन, क्योंकि कल सवेरे ही हमारी 9 बजे फ़्लाइट है, तो सवेरे 7 बजे हमें एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा, और उतने सवेरे मॉल तो खुलने से रहा। तो हमने ओनर से रिक्वेस्ट किया है, ड्रोन रिपेयर शॉप वाले की, प्लीज़ 10 बजे तक आपकी शॉप आज के दिन ओपन रखिए, और विच ही एक्सेप्टेड। सो थैंक्स टू हिम कि हमारा प्लान इतना टाइट शेड्यूल पे होने के बावजूद हम हमारा ड्रोन का काम कर पाए। तो 8 दिन के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मलेशिया एक अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन है, क्योंकि इंडिया में लोग जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं थाईलैंड को, सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं बाली को, विच इज़ ओके, वो दोनों भी बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस है। लेकिन अगर आप इन दोनों के बाद कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिमिलर प्राइस रेंज में सिमिलर एक्सपीरियंसेस के लिए चूज़ करना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि मलेशिया कैन बी दैट ऑप्शन।